समस्त आंतरिक नमस्कार। सृष्टि बरण आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत जनावि। आज विषय वस्तु हूँ आदिपुस्तक तीन पर्व छपद। छपद अनुसार नारी से ही वृक्ष को देखुअ नारी से ही गश को तीनो उपाय देखुअ। प्रथम हूँ सुखाद्य उत्पादक। एदन उद्यान आहरी अनेक सुख्यातजनक वृक्ष थे से वृक्ष ताक अन्य समस्त फल पर सुखाद्य जनक मन हो। द्वितीय से गच्छ को किपर देखुअ नयनर लोभजनक भाव अर्थात नारी चक्षु द्वारा वृक्ष को देख लोभ करुच्ची। ये लोभ क्यों आसला एपर्त नारी कौन सी आज्ञा लंघन करना कारण से एपर्त फल खाईना लोभ आसवर कारण सहित निजे। तृतीय नारी किपर वृक्ष को देखुचे ज्ञान देवा निमित्त बांछनीय अर्थात नारी भावुच ए फल खाइले मु ज्ञानी होजी आश्वर पर एवं नारी से ही सदसत ज्ञानदायक गच्छर फल तोली खाऊंटे निज स्वामी को मध्य देवर से मध्य खाऊंटे। आदम हुए तो पचारि पारि था ए फल कौन अटे क्योंठू पाइल किंतु निज पत्नी कथार पड़ी से मना कर फल खाइले एवं पुरुष एवं नारी उभय दोषी हेले। फल खाइबा पूर्वर जदिबा से पाप करते कि मृत्यु प्रवेश करोषी हो न किंतु वर्तमान से माने दुई जन परमेश्वर द्वारा दोषी बोली प्रमाणित हेले। परमेश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु। पुणि थर देखा आओ एक वीडियो रे। समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार।